सहायक आयुक्त खरगोन द्वारा शिक्षा गुणवत्ता पर विकास खंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बिना सूचना के अनुपस्थित अध्यापक को निलंबित कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार के निर्देशों के बाद पूरा शिक्षा विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में खरगोन जिले के सेगांव में सहायक आयुक्त डामोर द्वारा शिक्षा गुणवत्ता पर विकास खंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डामोर ने सभी अध्यापकों को शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और अनुशासन का पालन करने का पाठ पढ़ाया। वहीं आदतन बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले धर्मराज सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शिक्षा गुणवत्ता के संबंध में सेगांव विकास खंड के सभी प्राथमिक माध्यमिक सीएससी बीएससी जन शिक्षा प्राचार्य एवं बीआरसी की बैठक में शिक्षा गुणवत्ता संबंधी या मॉनिटरिंग के संबंध में चर्चा बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें सभी को नियमित रूप से स्कूल जाने शाला का संचालन करने और सभी योजनाओं का सही तरह से उनको बच्चों को फायदा देने के लिए और सभी बच्चों का प्रवेश 15 जुलाई तक करने हेतु जो एक दो शिक्षकों के जो लापरवाही बरतते कार्य के प्रति उनको निलंबन की कार्रवाई भी की गई और भविष्य में इस प्रकार की गलती करते पाए जाए उन शिक्षकों के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई अनुसार कार्य की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा के मामले में पूरे देश में प्रदेश 23वें नंबर पर आता है, लिहाजा कमलनाथ सरकार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगोन।